वेलकम टू आयशाज़ किचन। आज हम आपके साथ बहुत ही डिलीशियस और फटाफट कुकर में बन जाने वाले आलू मटर कीमे की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं और बहुत ही इजी स्टेप से हमने बनाया है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर कुकर रख लिया और कुकर में 2 टेबल स्पून करीब हम राई का तेल, सरसों का तेल डालेंगे और तेल अच्छे से हो जाए इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। लेकिन तेल जब आप पकाएंगे उसके बाद इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे फिर खड़े मसाले डालेंगे, वरना खड़े मसाले हमारे जल जाएंगे। तो 1 चम्मच ज़ीरा, लौंग, इलायची और बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सब आप डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हमने एक बिग बड़ी साइज़ की प्याज ले ली है। प्याज चाहे तो आप चौकोर कटी हुई या लंबी कटी हुई कैसी भी डाल सकते हैं। प्याज को हमको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तो हल्का से जब हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से जैसे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद हम डाल देंगे कीमा। तो यहाँ पे हमने 1/2 किलो के करीब कीमा लिया है, इसको हम डाल देते हैं और मीडियम आँच पर इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि इसका पानी जो है रिलीज़ हो जाए। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से कुकर में फटाफट कीमा बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 चम्मच करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे क्या होगा कि इसकी सारी महक निकल जाएगी। इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे कुछ पाउडर्ड मसाले, तो 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच करीब हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच गर्म मसाला और 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। इन सारे मसालों को भी डाल करके हमको भून लेना है। तो बहुत ही बेसिक मसालों से ये तैयार हुआ है। यहाँ पे हमने 1 टमाटर स्लाइस करके डाल दिया है। बड़े साइज़ का टमाटर था तो हमने 1 डाला, आप 2 भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी डाल देंगे ताकि इस पानी के साथ हमारे मसाले जो हैं अच्छे से पक जाए, इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। इसको ढक करके हम धीमी आँच पर पकाएँगे मसाले को ताकि इसके टमाटर भी गल जाए और मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, क्योंकि बहुत ही सख्त टमाटर रहते हैं, बहुत आसानी से नहीं गलते हैं। तो आप इसको अच्छे से गला लीजिएगा। और देखिए अब थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आ गया है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पानी डालना है। और इसके बाद हम इसको प्रेशर लगा देते हैं, तो करीब 2 सीटी के लिए हम प्रेशर लगाएंगे इसमें मीडियम आँच पर। अब हम खोल लेते हैं कुकर को और हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कीमा गल गया है कि नहीं। देखिए कितने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पे हमने 2 पोटैटो आलू चॉप्ड करके रखे थे उसे डाल दिया है और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दिया है। तो हरी मिर्च आप ज़रूर डालिएगा, ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब हम इसको ढक करके एकदम धीमी आँच पर आलू पकने के लिए रख देते हैं। तो देखिए अपने आलू पकने के लिए रख दिया और आलू हमारा गल गया है। और इससे ये होता है कि आलू हम प्रेशर में नहीं पकाएंगे क्योंकि फिर वो फूट जाता है, बहुत ही ख़राब टेस्ट हो जाता है। अब हमने इस पर मटर डाल दिया, मटर हम लास्ट में डालेंगे ताकि इसका कलर ना चेंज हो। मटर डाल के हम 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं धीमी आँच पर। अब हमारा कीमा तैयार हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से हरा धनिया। आपको सोया पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। बस इसको सर्व करिए और पराठे से या राइस से खाइए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ और अपने कमेंट हमें ज़रूर भेजिएगा। और ये ज़रूर से रेसिपी ट्राई करिएगा, इस पर नींबू निचोड़ करके इसको ज़रूर खाइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।